फॉर्मूले हैं नोट, प्रॉबलिटी ऑफ ये तो हम लिख ही चुके हैं ए यूनियन बी, इसको हम ए और बी भी बोलते हैं, ए और बी ये होता है प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम प्रॉबलिटी ऑफ आइदर भी बोलते हैं, ठीक है, और का मतलब आइदर ए और बी, तो प्रॉबलिटी ऑफ आइदर ए और बी, तो जब हम बोलेंगे प्रॉबलिटी ऑफ नाइदर, प्रॉबलिटी ऑफ नाइदर का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है प्रॉबलिटी ऑफ नाइदर। तो ये होगा वन माइनस ए यूनियन बी, ठीक है जी। इसके अलावा इसको हम जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा बी डैश, यानी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है नॉट ए एंड प्रॉबलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। अगर नॉट ए एंड नॉट बी बोला है तो इसका मतलब ये है नाइदर ही है, दोनों का एक ही मतलब है एंड रिजल्ट विल बी दिस, ठीक है जी। एक तो इसको फॉर्मूले को आप याद करिएगा, लॉजिक मैंने आपको बताया, नाइदर का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट है तो नेचुरल सी बात है वन माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, वन माइनस ए यूनियन बी। फिर जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ये हो जाएगा इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन का जो निशान है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए डैश का मतलब होता है नॉट ए और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, बी डैश का मतलब होता है नॉट बी, ठीक है जी। तीसरा प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब होगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। ये अगर बोला है तो नेचुरल सी बात है इससे आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है, वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है, ठीक है जी। तीन पॉइंट, चौथा पॉइंट अगर मैं कह रहा हूँ प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी, तो इसका मतलब होगा प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब ए डैश और एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी, तो बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो पहले आएगा माइनस दोनों में जो कॉमन है, ये इसका फॉर्मूला लगेगा। ऐसे फिफ्थ होगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है वो आगे आएगा हमेशा ही, इस बात का आप ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। लिख लिया सबने यहाँ तक, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं, 8, 9, 10, 11 सब इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं, तो आप लोग करिए इनको और मुझको आंसर बताते जाइए क्या आ रहा है, फॉर्मूला रेफर करो।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, और बोला इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी निकालिए ए इंटरसेक्शन बी। तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा अदिति, याद है आपको? अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में? आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा मुझे। अपूर्वा आप बोलो, इंडिपेंडेंट है तो क्या करते हैं, याद है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, आप इसमें लगाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की। करो कितनी आ रही है वैल्यू, तो ये हो गया 0.12 14 है तो ये आएगा 0.12। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकंड पार्ट में बोला है ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी के लिए रोशन बोलो क्या करें। सर पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ ठीक है, बाकी लोग निकाल लीजिए जी, कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत सिंपल है। तो पी ए हमको दे रखा है 0.3 है, पी बी है 0.4 माइनस 0.12, तो इनको ऐड करेंगे तो 0.7। बोलो क्या आंसर है जी? 0.58। और कोई बोलो, किसी और का कुछ और आंसर है क्या? अक्सर माइनस करने में बच्चे गलती करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ध्यान रखना 0.7 का मतलब 0.70 है और 0.12 है, इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, और फिर रह गया 6 6 माइनस 1 5, तो 0.58 ही बोला था ना, यही आंसर है। थर्ड पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, रोहन क्या होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी? बस ये होता है अपॉन पी बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब वैल्यू डाल लो, ए इंटरसेक्शन बी आया था 0.12 और पी बी था 0.4, तो कितना आएगा सॉल्व करके बोलो रोहन। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको बोला है बी बाय ए, तो बोलो मुस्कान तुम बोलो बी बाय ए क्या होगा? अदिति तुम बोलो बी बाय ए क्या होगा? Probability of A union B intersection B upon P A. So this is 0.12 divided by 0.3. So answer is, बोलो क्या आंसर है? 0.4. ठीक है जी, सबका हो गया फोर्थ पार्ट तक? नेक्स्ट ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 9th, नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है, तो कौन बताएगा नॉट ए एंड नॉट बी में क्या करना है? बोलो जी नॉट ए एंड नॉट बी में क्या करना है? 1 माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी, देखो क्या लिखा है एंड नॉट बी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विच इज़ 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला साथ साथ लगा लो, 1 माइनस ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालो वैल्यू, लगा दो जो जो वैल्यू दे रखी है। थ्री बाई एट आ रहा है, तो वन माइनस ये फाइव बाई एट आ रहा होगा सॉल्व करके, ऐसे ही आ रहा है क्या? ये ब्रैकेट के अंदर फाइव बाई एट आ रहा है सॉल्व करके। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया मैंने, सारा एक साथ सॉल्व किया। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी लोग कंफर्म करो थ्री बाई एट है कि नहीं है। यस सर, थ्री बाई एट। ओके, क्वेश्चन नंबर टेंथ। प्रॉबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रॉबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, नॉट ए और नॉट बी। तो रोहन देखो जरा क्या फॉर्मूला बताया है इसके लिए, नॉट ए और नॉट बी क्या बताया फॉर्मूला, रेफर करो। कुछ बताया या नहीं बताया? ए डैश यूनियन बी डैश। रोहन मिला फॉर्मूला क्या है? रोशन तुम बोलो इसका क्या फॉर्मूला है? रोहन देखो, रोशन सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? ठीक है ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी रोहन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू? बोलो रोहन। हाँ ठीक है, निकालो कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। पी ए इंटू पी बी यही आ रही है क्या? सबके सब कंफर्म करो। अपूर्वा फाइनल बताओ क्या आंसर है? सेवेंटीन बाई ट्वेंटी फोर है। यस सर। ठीक है, एलेवेंथ क्वेश्चन। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए एंड बी और इंडिपेंडेंट। तो अगेन फर्स्ट पार्ट तो इजी है, इंडिपेंडेंट है, तो पी ए एंड बी क्या होगा? बोला अच्छा उसने, अच्छा बोला, चेक करने के लिए बोला है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमने ऑल टुगेदर कुछ और ही ले लिया। इसमें इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू तो हमें दे रखी है वन बाई फोर। तो यहाँ से आप इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालो, यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे जी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा वन माइनस वन बाई फोर यानी थ्री बाई फोर, विच इज़ नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो थ्री बाई फोर इज नॉट इक्वल टू सेवन बाई ट्वेंटी फोर, सेवन बाई ट्वेंटी फोर देयरफॉर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इसका आंसर है जी। ठीक है, यही आ रहा है वैष्णव जी? ठीक है जी, अब फर्स्ट पार्ट अगेन इंडिपेंडेंट। रोशन क्या करें, पी ए एंड बी कैसे निकलेगा? एंड मतलब इंटरसेक्शन बेटा, एंड मतलब पी ए इंटू पी बी। तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है सॉल्व वो करके, पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट
दिस विल बी 0.18। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोल रहा है पी ए एंड नॉट बी, रोहन पी ए एंड नॉट बी, बोलो क्या फॉर्मूला है। तो ये किसके इक्वल है, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? पी ए हो गया 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी 1.8 आया है, तो उसको माइनस कर लो तो हो जाएगा 10 - 8 2, 2 - 1 0.18 आ गया। थर्ड पार्ट ए और बी, बोलो वैष्णवी ए और बी में क्या करेंगे? ए और बी, ए यूनियन बी, हाँ और का मतलब यूनियन हो गया। अब तो सिंपल है, यूनियन का फॉर्मूला लगाओ। अदिति आ रहा है समझ? यस सर। अपूर्वा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। 0.3, 0.6 माइनस करो 0.12, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.9 - 0.12 तो 0.72 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया सबका यहाँ तक? 0.18 का इंटरसेक्शन, अरे हाँ 0.18 है तभी तो 72 आएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो जी सबका आ गया, हो गया सब, कर लिया सबने। इसके बाद फोर्थ पार्ट, नाइदर ए नॉर बी, तो बोलो रोशन नाइदर ए नॉर नॉर बी क्या होगा? 1 - PA union B तो 1 - 0.72 कितना आ गया जी? 2.8 ये जा रहा है, हो गया सभी का कंफर्म करो। अदिति हो गया? यस सर हो गया। ठीक है चलो बढ़िया, तो हमारे हो गए 11 तक, अब हम ले रहे हैं 12 और 13 ले लेते हैं। ट्वेल्व और थर्टीन में क्या कह रहा है ट्वेल्थ क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में आपको ये कह रहा है ए डाइस टॉस्ड 3 times, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर होना चाहिए। तो जब भी आपके पास एटलीस्ट वन आए, नोट लिख लो आप चाहे तो, एटलीस्ट वन, जब दो आउटकम होते हैं तब तो ए यूनियन बी को हम एटलीस्ट वन भी कह देते हैं अगर दो आउटकम है तो। यहाँ पर तीन डाइस है तो एटलीस्ट वन आए तो हम क्या करें, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन निकाल लें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझो, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने क्वेश्चन बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 students, एंड देयर चांसेस of solving it
आर, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर रिस्पेक्टिवली। फाइंड प्रॉबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट। फाइंड प्रॉबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट, ठीक है। ऐसे आ सकता है या फिर इसकी जगह ऐसे बोल सकता है, फाइंड प्रॉबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉबिलिटी बताइए, प्रॉबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जिनका थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, तो जिसका भी प्री बोर्ड है तो आप ज़रा ध्यान से देख लेना, समझ लेना, हो सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। हमने बोला कि एक प्रॉब्लम है, हमने तीन स्टूडेंट को दिया, तो प्रॉबिलिटी हमने बोला स्टूडेंट ए उसको सॉल्व कर ले उसके चांसेस दे रखे हैं वन बाई टू, स्टूडेंट बी उसको सॉल्व कर ले उसके चांसेस दे रखे हैं वन बाई थ्री, स्टूडेंट सी उसको सॉल्व कर ले उसके चांसेस दे रखे हैं वन बाई फोर। बोलो जी, यहाँ तक सबको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये तो गिवन है हमको, ठीक है बच्चों। बाकियों को मेरी वॉइस ठीक से आ रही है? तो प्रॉबिलिटी ए डैश अगर हम बोलेंगे तो ए डैश का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, दैट विल बी वन माइनस वन बाई टू, दैट इज़ वन बाई टू अगेन। बी डैश का मतलब क्या होगा? बी डैश का मतलब होगा कि बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वन माइनस वन बाई थ्री विच इज़ टू बाई थ्री। और सी डैश का मतलब क्या है? सी डैश का मतलब है कि सी सॉल्व नहीं कर पाएगा, विच इज़ वन माइनस वन बाई फोर, दैट इज़ थ्री बाई फोर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम का हमने बोला कि जब भी एटलीस्ट वन आएगा तो हमने बोला वन माइनस पी ज़ीरो लगाओ। अब इसमें हम वन माइनस पी ज़ीरो क्यों बोल रहे हैं उसका लॉजिक समझो। टोटल पॉसिबिलिटी जितनी भी होगी, टोटल पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी जो भी होगी उन सब का सम हमेशा वन होगा, ठीक है। या ऐसे बोलो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम उनका सम हमेशा ही वन होगा। तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि कोई भी सॉल्व ना कर पाए, तीनों में से कोई भी सॉल्व ना कर पाए, ये पॉसिबिलिटी है। या क्या पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से कोई भी एक सॉल्व कर ले, या क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई भी दो सॉल्व कर लें, या पॉसिबिलिटी क्या है तीनों ही सॉल्व कर लें। तो इन सारी पॉसिबिलिटी का सम हमेशा ही वन होता है। ये तो सभी जानते हैं कि प्रॉबिलिटी में जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनकी प्रॉबिलिटी का सम हमेशा ही वन होता है, सब जानते हैं इस बात को। तो हमने बोला ये हो सकता है कि कोई भी सॉल्व ना कर सके, या फिर किसी एक ने सॉल्व किया, किसी दो ने किया, या तीनों ने किया, सबका प्रॉबिलिटी का सम मिला करके हमने बोला वन आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम है। अब वन ये है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एक ने सॉल्व कर लिया, या फिर दो ने कर लिया, या फिर तीनों ने ही सॉल्व कर लिया, इसको हम बोलेंगे एटलीस्ट वन। तो क्या हुआ? ये है प्रॉबिलिटी ऑफ नन। ज़ीरो का मतलब नन, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। और बाकी क्या है? बाकी है प्रॉबिलिटी एटलीस्ट वन, कम से कम एक सॉल्व कर लेगा। इन दोनों की प्रॉबिलिटी का सम वन हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रॉबिलिटी एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो ये क्या होगा? दैट विल बी वन माइनस कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया।
तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, यानी वन माइनस ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया एंड सी भी नहीं कर पाया। इसकी प्रोबेबिलिटी की मुझे वैल्यू बतानी है वन माइनस करके। बोलो जी, आया यहाँ तक सबको समझ? यहाँ तक बताओ पहले। मैं अभी फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ये वाले एग्जांपल मैंने समझाया था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो इंटरसेक्शन हट के सबका इनटू में आ जाएगा। इनटू में आ गया तो ए डैश की वैल्यू हमें मालूम है वन माइनस वन बाई टू, बी डैश की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है टू बाई थ्री, सी डैश की वैल्यू हमें मालूम है थ्री बाई फोर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस टू से टू कट गया, थ्री से थ्री, वन माइनस वन बाई फोर बच गया। तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी थ्री बाई फोर। ये है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, या फिर एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है जी वैष्णवी, आपको आ गया समझ? अदिति, रोहन, अपूर्वा? यस सर। चलो ठीक है, तो एक बार ब्रीफली फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। हमने बोला था कि प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन हमने दिया तीन स्टूडेंट्स को और उनके चांसेस हैं कि वो सॉल्व कर लें उसको, उसके चांसेस ये हैं रिस्पेक्टिवली, सबके चांसेस ये हैं। और फिर प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन सॉल्व, हमें ये निकालना है। तो हमने बोला ए कैन सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी किस कैन सॉल्व दे रखा है, सी कैन सॉल्व हमें दे रखा है। तो हमने सबका नॉट निकाल लिया कि ए सॉल्व ना कर पाए, बी ना कर पाए और सी ना कर पाए, ये हमने निकाल लिया। फिर हमने बोला जितनी भी पॉसिबल आउटकम है उन सबकी प्रॉबिलिटी का सम हमेशा ही वन होता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या है कि कोई भी सॉल्व ना कर पाए, या फिर कोई भी एक सॉल्व कर ले, या दो सॉल्व कर ले, या तीनों ही सॉल्व कर लें, सबकी प्रॉबिलिटी का सम हमेशा वन होगा। तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया इसका मतलब हो गया नन, और बाकी हो गया एटलीस्ट वन कैन सॉल्व। तो एटलीस्ट वन कैन सॉल्व क्या होगा, वन माइनस नन, तो नन मतलब ए डैश, बी डैश, सी डैश, तीनों का इंटरसेक्शन, फिर सबकी वैल्यू डाल लो, सॉल्व करके ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आया सबको समझ में? रोशन आ गया? तो जब भी हमने बोला ओवरऑल, ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एटलीस्ट वन हम जब बोलते हैं तो वन माइनस नन लगाइए। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला ए डाइस टॉस्ड थ्राइस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, एक डाइस पे ऑड नंबर आएगा तो उसकी क्या चांसेस हैं। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, वन थ्री फाइव, ठीक है ना, तो फेवरेबल हो गया तीन। एक डाइस पे जो ऑड होते हैं वन थ्री फाइव, फेवरेबल थ्री, और टोटल कितने होते हैं सिक्स। तो ये हो गया ऑड नंबर फर्स्ट डाई पे आने के, विच इज़ वन बाई टू। यही प्रॉबिलिटी होगी ऑड नंबर सेकेंड डाइस पे आने के, ओ टू जो लिखा है इसका मतलब ऑड नंबर सेकेंड डाइस, ठीक है। फिर पी ओ थ्री हमने बोला इसका मतलब ऑड नंबर ऑन थर्ड डाइस, तो वो भी वन बाई टू होगा। तो आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट वंस। तो प्रॉबिलिटी एटलीस्ट वन दैट विल बी वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ नन कर दो। तो नन का मतलब क्या हुआ, पहले डाइस पे भी ऑड नहीं आया, दूसरे पे भी ऑड नहीं आया, तीसरे पे भी ऑड नहीं आया। तो ये जो है वन बाई टू, ये तो ऑड आने की है, तो ऑड नहीं आने की क्या होगी प्रॉबिलिटी, ऑड नंबर फर्स्ट पे नहीं आई वन बाई टू, क्योंकि वन माइनस वन बाई टू होगा। ऑड आने की वन बाई टू है तो ना आने की क्या होगा, वन माइनस, तो वो भी वन बाई टू आएगा। दूसरे पे ऑड नंबर नहीं आया, तीसरे पर भी ऑड नंबर नहीं आया, तो अब इसकी वैल्यू डाल लो। तो वन माइनस क्या होगा, पहले पे ऑड नहीं है इनटू होगा क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट, दूसरे पे ऑड नहीं है इनटू हो गया, तीसरे पे ऑड नहीं है इनटू हो गया, तो फाइनली क्या आएगा,
ऐसे है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8, तो आंसर इज 7/8। ठीक है जी, बोलो सबको समझ में बात आई ये वाले कि नहीं आई? वैष्णवी आपको आ गई समझ में? और कोई बोलो जी जिसको कंफ्यूजन है कोई? एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने वो बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नॉट। देखो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो है आने की, अब ऑड एक डाइस पे क्या है 1, 3, 5 है, तो 3 फेवरेबल हो गए और टोटल हो गए 6, ठीक है ना? तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6, तो ये हो गया ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नहीं आएगा तो क्या होगा 1 माइनस, प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि ऑड नहीं आए नंबर तो क्या होगा 1 माइनस 1/2 विच इज़ अगेन 1/2। तो सेकेंड डाइस पे भी ऑड नहीं आएगा तो भी वही होगा 1/2, और थर्ड पे नहीं होगा तो भी वही होगा 1/2, ठीक है? आ गया समझ में ये वाला पूरा क्वेश्चन? बोलो जी। कंफर्म करो। ठीक है अपूर्वा आ गया। बोलो बोलो। दो डाइस की नहीं बात कर रहे ना हम, एक इंडिविजुअल डाइस की बात कर रहे हैं। थ्री टाइम करो। तो समझ गया, हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं ना अलग अलग। एक टाइम पे तीनों करेंगे तो फिर तो टोटल हम 216 लेके चलेंगे। चलो फिर ले रहे 13th क्वेश्चन। 13th ये कह रहा है टू बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या यूज़ हुआ है, विद रिप्लेसमेंट। और मैंने कहा था कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, किस में कहा था मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं? बोलो वैष्णवी याद है आपको कब बोला था कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट में। हाँ तो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है तो गलती से भी कॉम्बिनेशन मत लगा देना। तो हमारे पास ब्लैक जो है कितने हैं, ब्लैक हैं 10, ठीक है? ब्लैक बॉल्स जो हैं 10 हैं और रेड बॉल्स हमारे पास कितने 8 हैं। तो हमें दो हमने बॉल ड्रॉ करे हैं, टू बॉल्स आर ड्रॉन। कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, दो बॉल, टू बॉल्स आर ड्रॉन, बोथ आर रेड। हमें निकालना है बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है? अब क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमने कहा था इंडिपेंडेंट नहीं बनता। तो यहाँ पर हमने बोला बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल मतलब फर्स्ट बॉल इज रेड और सेकेंड बॉल इज ऑल्सो रेड, ऐसे हो जाएगा। रेड वन मतलब फर्स्ट बॉल रेड एंड रेड टू, तो इंडिपेंडेंट है तो ऐसे हो जाएगा रेड इंटू रेड, दोनों बॉल्स रेड है। तो रेड आने की प्रॉबिलिटी बोलो रोशन क्या होगी, क्या होगी रेड आने की प्रॉबिलिटी बता सकते हो आप? 8/18। दूसरी बॉल रेड होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 8/18। हाँ ठीक है ना, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल बॉल सेम रहेंगे। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 4/9 इंटू 4/9, तो 16/81 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक एंड सेकंड इज़ रेड, तो क्या होगा इसमें आदिति बताओ? फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक एंड सेकंड इज़ रेड, क्या ऐसे बोलेंगे हम फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक एंड सेकंड इज़ रेड? तो अब क्या करें इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बोलो अदिति क्या होगी? 10/18. 10/18. और रेड की क्या होगी? 8/18. 8/18, बस ठीक है. तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो हो गया 5/9 इंटू 4/9. ठीक है जी. तो ये आ गया हमारे पास 20/81, हमारा आंसर आ गया. ठीक है जी. थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोला उसने? वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड. तो क्या करेंगे रोहन? वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, तो क्या मतलब है इसका, बता सकते हो रोहन आप? रोहन, तो एक ब्लैक और एक रेड, तो कैसे लिखें कि पहली ब्लैक है एंड दूसरी रेड? ऐसे और भी कुछ होगा इसके अलावा? ट्वाइस क्यों करेंगे? पहली रेड दूसरी ब्लैक. हाँ, या फिर ऐसे भी हो सकता है और आ जाएगा बीच में कि पहली रेड है और दूसरी ब्लैक. रोहन आ रहा समझ? मतलब क्या, हमने क्या बोला, ऑर्डर हम कह रहे हैं कि पहले जो ड्रॉ करा वो ब्लैक थी फिर रेड, या फिर पहले जो ड्रॉ करा वो रेड थी फिर ब्लैक आई. तो ऑर्डर चेंज करने से प्रोबेबिलिटी आपकी मतलब बढ़ जाएगी. यहाँ पर क्या बोला, यहाँ स्पेसिफिक उसने ऑर्डर दे रखा है कि पहला ब्लैक होना चाहिए दूसरा रेड. जब वो कह रहा है वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, इसका मतलब उसने ये नहीं बोला कि पहले कौन सा होगा. पहला ब्लैक भी हो सकता है रेड भी हो सकता है. तो पहले हमने बोला ब्लैक रेड ले लो और दूसरा बोला रेड ब्लैक ले लो. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ब्लैक इंटू प्रॉबलिटी ऑफ रेड, और का मतलब जब भी और आएगा तो प्लस लगाएंगे, प्रॉबलिटी ऑफ रेड इंटू प्रॉबलिटी ऑफ ब्लैक. रोशन आ रहा है समझ? देखो, जब भी आपके पास ये नहीं बोला कि पहला कौन सा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है दो बच्चों को बुलाया, ठीक है, ए और बी, तो क्या हो सकता कि पहले ए आया फिर बी आया, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है पहले बी आया फिर ए आया, ऑर्डर चेंज हुआ. तो लाइक वाइज ऐसे हम बोलते हैं कि पहले हमने जो बॉल ड्रॉ करी हो सकता है वो ब्लैक हो और दूसरी हमने जो ड्रॉ करी वो रेड हो, या फिर पहला रेड है और दूसरा ब्लैक है. तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉबलिटी आपकी ऐड हो जाएंगी. मतलब एक प्रॉबलिटी ये आएगी जिसमें ब्लैक है पहले, और एक प्रॉबलिटी ये आ जाएगी जिसमें पहले ऑर्डर में रेड है. यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बोला है कि पहले जो है ब्लैक आना चाहिए. जैसे मैं बोल दूँ कि पहले बॉय ए आएगा, पहले बॉय ए आएगा फिर बॉय बी आएगा, तो ये फिक्स हो गया कि ए पहले आएगा फिर बी आएगा, ये फिक्स हो गया. और जब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला तो कोई भी आ सकता है पहले, आया समझ? तो मुझे दोनों ही केस कंसिडर करने हैं जब आपको ये नहीं बोला है. तो पहला ब्लैक है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हमने बोली थी, ब्लैक की हमने बोली थी 10/18, और रेड की हमने बोली थी 8/18 प्लस 8/18 इंटू 10/18, कितना हो गया 80. अच्छा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 40/18 आ जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा, ये हो गया 20/81 प्लस 20/81, तो 40/81 आपका आंसर आ गया. बोलो जी, आया सबको समझ के नहीं आया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं. ये तो सबने कर लिया, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सबका हो गया ये वाला, कंफर्म करो. ओके, ठीक है. क्वेश्चन है, ए स्पीक्स ट्रुथ, ए स्पीक्स ट्रुथ,
70% एंड बी स्पीक्स 60%. फाइंड प्रॉबिलिटी, फाइंड प्रॉबिलिटी फर्स्ट पार्ट, दे एग्री टू ए स्टेटमेंट, एग्री टू ए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा. एग्री टू ए स्टेटमेंट, और दूसरा है दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. आयुषी, अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया है? आप लिख रही हो ना साथ साथ? ठीक है. अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए स्पीक्स ट्रुथ, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 70%, यानी 70/100. ठीक है जी. तो ये तो है इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी. तो सच नहीं बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1- हो जाएगा. ठीक है अदिति, ये समझ में आया कि नहीं आया? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बोलेंगे सच नहीं बोलेगा तो 1- कर दो, तो कितना हो गया? 30/100 हो गया. फिर बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60/100, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 60/100. तो बी सच ना बोले तो 1- विच इज 40/100. तो अब हमें क्या करना है जी? अब हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट में दे एग्री टू ए स्टेटमेंट. तो एग्री टू ए स्टेटमेंट का क्या मतलब है वैष्णवी, आप बताओ? दे एग्री टू ए स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी, और भी कुछ हो सकता है? देखो, दे एग्री टू ए स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि दोनों ने सच बोल दिया, ए ने सच बोला एंड बी ने भी सच बोल दिया, या फिर क्या हो सकता है दोनों ने झूठ बोल दिया, ए ने भी झूठ बोला और बी ने भी झूठ बोला. ठीक है रोशन, समझ में आ रहा है? तो ए ने सच बोला और बी ने सच बोला, तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी, ऐसे हो जाएगा. और का मतलब हो गया प्लस, दोनों ने झूठ बोला यानी पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ऐसे हो गया. तो पी ए इंटू पी बी का मतलब क्या हो गया? 70/100 इंटू 60/100. और पी ए डैश का मतलब क्या हो गया? 30/100. और पी बी डैश का मतलब हो गया 40/100. ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? आरुषि, आ रहा है समझ में? तो ये सॉल्व होकर के आ गया 42/100 और प्लस ये हो गया 12/100. तो ओवरऑल कितना हो गया? 54/100, ये आपका आंसर आ गया. आप और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो या ऐसे लिख लो 0.54. ठीक है जी, आ गया सभी को समझ? वैष्णवी, आ गया समझ में कि नहीं, बोलो? ठीक है. अब सेकंड पार्ट, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. तो बोलो रोहन, क्या मतलब है इसका? दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. सर बोलो. तो एग्री, सेम स्टेटमेंट पे एग्री कर गए ना. सेम स्टेटमेंट मान लीजिए, जैसे मैं, आप और आपका दोस्त कहीं घूमने गए थे और आपको लगा कि भाई मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ गए थे, और आपने बोल दिया कि भाई घूमने गए थे, तो दोनों फंस जाएंगे. तो दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसा करेंगे, ये बोलेंगे पढ़ रहे थे घर पे बैठ के. तो आप दोनों ने क्या एग्री किया? सेम स्टेटमेंट बोलना.
यानी आपने भी बोला कि घर पे पढ़ रहे थे और आपके फ्रेंड ने भी बोला कि घर पे पढ़ रहे थे, तो ये है दे एग्री टू सेम स्टेटमेंट, समझे ना। या फिर ये हो सकता है दोनों ने डिसाइड किया कि यार ऐसा है, कभी ना कभी तो सर को पता लग ही जाएगा कि हम घूमने गए थे, तो ऐसा करते हैं दोनों सच बोल देंगे। तो आपने भी बोल दिया कि सर हम घूमने गए थे आगे से नहीं जाएंगे, और आपके फ्रेंड ने भी बोल दिया सर हम घूमने गए थे आगे से नहीं जाएंगे, तो दोनों ने सच बोल दिया, ठीक है ना। तो दे एग्री टू ए स्टेटमेंट, समझे। अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि हम घूमने गए थे और आपके फ्रेंड ने बोल दिया हम तो घर पे बैठ के पढ़ रहे थे, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, एक कुछ बोल रहा है और दूसरा कुछ बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। आया समझ। तो सेकंड पार्ट में बोला दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो अब बोलो रोहन कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर कम, ना 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 ना, और कोई बोलो कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वैष्णवी क्या हो सकता है। हाँ हाँ यानी क्या होगा, ए ने सच बोला बी ने झूठ बोल दिया, ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना, दे कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ए ने सच बोला बी ने झूठ बोला, सिंपल सी बात है। या फिर क्या हो सकता है, ए ने झूठ बोल दिया बी ने सच बोला। सबको आया समझ, बोलो जी क्लियर है क्वेश्चन। तो अब ए ने सच बोला यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी डैश प्लस, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब लगाओ वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 70/100, प्रॉबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो गया 40/100, प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो गया 30/100, प्रॉबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया 60/100। तो कितना निकल के आया, 28 आया ओवर 100 प्लस 18 ओवर 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 46, 46/100, ठीक है जी, यही आ रहा है 0.46, ये हमारा आंसर आ गया। सर हमने इसमें वो फॉर्मूला से लगाया जो आपने क्लास में सिखाया, उसको लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या होगा, पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लगेगा और इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब पी ए कॉमन ले लो तो क्या बच गया, 1 माइनस पी बी डैश, पी बी बच गया 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी का मतलब क्या होता है, पी बी डैश, तो वही आ गया। तो इतने घुमा के क्यों पकड़ना, उसको सीधा पकड़ लेते हैं। जब इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तब तो तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तब आपको यही चॉइस है यही लगाना है। फिर ये मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं बोला होता तब यही लगाना था। अगर यहाँ लिख देता हूँ, इफ ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, तब तो यही लगाओ आप, ठीक है। फिर ये केस आएगा नहीं, फिर तो ये वाला केस। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन के सेंस के हिसाब से भी चलेगा, अगर वही वाली बात है कि मैंने अगर किसी को बोला, किसी से अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी तो वो इंडिपेंडेंट है ना, किसी की किसी पे डिपेंडेंट नहीं है स्टेटमेंट। हाँ विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट तो, हाँ विद रिप्लेसमेंट तो इंडिपेंडेंट ही। और ये अप्लाई करना जब आपको इंडिपेंडेंट है,
जब इंडिपेंडेंट है तब तो यही आपको अप्लाई करना है, बेटर यही रहेगा। ठीक है जी, चलो हो गया सबका, डन हो गया। बोलो जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहा हूँ चलते चलते। ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू विद टू पोस्ट या विद टू वैकेंसीज, विद टू वैकेंसीज देयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर 1/4, 1/5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली फाइंड प्रॉबिलिटी, फर्स्ट पार्ट बोथ आर सेलेक्टेड, बोथ आर सेलेक्टेड, सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली वन इज सेलेक्टेड, थर्ड पार्ट एट लीस्ट वन इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है दोनों के सेलेक्ट होने के, ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ये हमको गिवन है। तो ए सेलेक्ट नहीं होगा, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, 1 - 1/4, तो ये आ गया 3/4 ए के सेलेक्ट ना होने की। बी सेलेक्ट नहीं होगा तो 1 - 1/5, तो ये आ गया 4/5। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में बोला बोथ आर सेलेक्टेड, तो इसका मतलब बोलो कौन बताएगा, बोथ आर सेलेक्टेड, हाँ यानी ए सेलेक्टेड हो गया एंड बी भी सेलेक्टेड, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट का मतलब ये है, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/4 × 1/4 = 5, तो 1/20 आ गया। फिर सेकंड पार्ट एग्जैक्टली वन इज सेलेक्टेड, तो क्या होगा बोलो जी, रोहन तुम बोलो क्या होगा, एग्जैक्टली वन इज सेलेक्टेड, बोलो ठीक है, और कोई जो बता सकता है एग्जैक्टली वन इज सेलेक्टेड यानी ए सेलेक्ट हुआ। हाँ ए सेलेक्ट हुआ बी सेलेक्ट नहीं हुआ, या फिर बीच में और लगाओ, या फिर ए सेलेक्ट नहीं हुआ बी सेलेक्ट हो गया। अब आया रोहन समझ, एग्जैक्टली वन मतलब एक सेलेक्ट हो गया दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो ए सेलेक्ट हो गया इनटू बी सेलेक्ट नहीं हुआ, और का मतलब प्लस, फिर ए सेलेक्ट नहीं हुआ और बी सेलेक्ट हो गया, तो वैल्यू लगा लो, ए सेलेक्ट हो गया 1/4, बी सेलेक्ट नहीं हुआ 4/5, प्लस ए सेलेक्ट नहीं हुआ 3/4, बी सेलेक्ट हो गया 1/5, तो सॉल्व करके कितना आया 7/20।
बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड पार्ट क्लियर है? रोहन आ गया समझ? रोशन, अपूर्वा, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट, एटलीस्ट वन इज सेलेक्टेड। तो एटलीस्ट वन इज सेलेक्टेड में क्या होगा? अब बताओ जी, कौन बताएगा एटलीस्ट वन इज सेलेक्टेड? एटलीस्ट वर्ड है एटलीस्ट वन, तो क्या बताया था एटलीस्ट वन के लिए? ना 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 ना, बेटर। हाँ, इसका समेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन ही अलग से एक यही क्वेश्चन पूछा गया तो ये तो बहुत बड़ा हो गया कि आपने ये भी निकाला फिर प्लस किया। वन माइनस वन कर दो, एटलीस्ट वन है यानी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन, इसके लिए बेटर है वन माइनस आप कर दो नॉन इज सेलेक्टेड। तो वन माइनस ए भी सेलेक्ट नहीं हुआ, बी भी सेलेक्ट नहीं हुआ, यानी वन माइनस ए सेलेक्ट नहीं हुआ इंटू बी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो वन माइनस ए सेलेक्ट नहीं हुआ इस थ्री बाई फोर इंटू फोर बाई फाइव, तो वन माइनस थ्री बाई फाइव हो गया, तो टू बाई फाइव आपका आंसर है। बोलो जी, आया समझ के नहीं आया?